उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1313 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर उसे रामलीला मैदान को खूब सजाया गया था। शाहजहांपुर के ओसीएफ रामलीला मैदान में इस सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत किया गया, जहां 6 विधानसभाओं के अलग अलग पंडालों में वैदिक मंत्रों के जरिए 1313 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। लोगों का विवाह उनके धर्म और परंपरा के अनुसार धर्म गुरुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ। विवाह के मंडप में पहुंचकर यूपी के वित्त मंत्री और सहकारिता मंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उत्तर प्रदेश में 15 फरवरी तक 35,950 लोग इस योजना के तहत लाभान्वित हो चुके थे और लगातार 31 मार्च तक अभी यह कार्यक्रम चलेगा। इस साल हर तरह से कन्याओं को जो सशक्तिकरण का जो नारा दिया था, उसको इन योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरा कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस आयोजन में दुल्हन को सजाने के लिए ब्यूटी पार्लर की भी व्यवस्था के साथ ही शादी के लिए जरूरी अन्य वस्तुओं का भी इंतजाम किया गया। इसके अलावा उन्हें उपहार और तोहफे भी प्रदान किए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये बहुत ही अनूठी योजना है, जिसमें इन्होंने गरीबों के जो अपने बच्चियों के हाथ पीले नहीं कर पाते थे, अगर पीले करने की जरूरत पड़ती थी तो जो भी छोटी मोटी जगह जमीन होती थी उसको बेचना पड़ता था या कर्जा लेना पड़ता था, और एक बार कर्जा लेने के बाद पूरी जिंदगी भर वो गरीब चुकता नहीं कर पाते थे। कुछ बोझ से मुक्त करने का काम गरीबों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और मुझे लगता है कि आज के दिन शाहजहांपुर में 1313 जो जोड़ों की शादी हुई है उनके लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है और उनको पूरा शुभकामनाएं, उनके परिवार को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उन गरीब कन्याओं के लिए वरदान साबित हो रही है, जिनके गरीब माता पिता अपनी बेटियों के हाथ पीले करने में असमर्थ होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।